जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने YouTube चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम लोग पिछली कक्षा में समास देख रहे थे और समास में हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से कर्मधारय समास से पहले अव्ययी भाव समास को बता दिया था। और आज हम लोग चलते हैं किधर, तो आज हम लोगों का टॉपिक हो जाएगा कर्म धारय समास। आज हम लोगों का टॉपिक क्या हो जाएगा दोस्त? कर्म धारय समास। ठीक है सर, हमारा टॉपिक क्या होगा मेरे दोस्त? तो आज का टॉपिक बना कर्म धारय समास। कर्म धारय समास के बारे में जानकारी को अच्छी प्रकार से हम लोग अर्जित करते हैं। तो कर्म धारय समास में जिस प्रकार से हर एक समास में तीन पद होता है या दो पद होता है, उसी प्रकार से इसमें भी कितना पद होगा? दो पद, और एक होता है समान तीसरा, जो उत्तर पद होता है वही तीसरा पद कहलाता है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त देख लेते हैं क्या कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के बारे में हमको क्या देखना है कि परिभाषा इसकी हम लोग देखने का काम करते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा को। और परिभाषा में हम लोग क्या देखते हैं, तो इसकी परिभाषा को देखने का काम करते हैं। लिखिएगा इसकी परिभाषा कि जिस समास का, लिखिएगा जिस समास का, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं, दिखाई नहीं दे रहा है, लाल कर। चलिए लिखिएगा इसकी परिभाषा क्या कि जिस समास का, जिस समास का उत्तर पद अथवा जिस समास का उत्तर पद अथवा द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, जिस समास का उत्तर पद अथवा द्वितीय पद प्रधान होता है, वहां पर कर्मधारय समास, वहां पर कर्म धारय समास होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। इसकी तो पहली परिभाषा यह बन गई, ठीक है। और इसकी मैं परिभाषा बता रहा हूं कर्मधारय समास का। लिखिएगा आप लोग क्या कर्मधारय समास की अगली परिभाषा आप लोग लिखिएगा, क्या हो जाएगी? लिखिएगा अगली परिभाषा दोस्त, बहुत अच्छी प्रकार से लिखिएगा। और हाँ, इसमें देखिए कर्मधारय समास में हमने क्या बताया कि जिस समास का उत्तर पद अथवा द्वितीय पद प्रधान होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। जिस समास का उत्तर पद अथवा द्वितीय पद प्रधान होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, हम बता रहे हैं कि कर्मधारय समास में होगा क्या। तो कर्मधारय समास में मेरे दोस्तों आपको क्या मिलेगा? तो कर्मधारय समास में भाई साहब आपको संबंध मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे दोस्त? कर्मधारय समास में आपको क्या मिलेगा? संबंध मिलेगा। कर्मधारय समास में क्या मिलेगा दोस्त? संबंध मिलेगा। किसका संबंध मिलेगा? तो कर्मधारय समास में आपको विशेषण का संबंध मिलेगा। इस विशेषण के साथ किसका संबंध होगा? विशेष्य का संबंध। अर्थात कह सकते हैं कि इस कर्मधारय समास में आपको एक पद विशेषण और दूसरा पद क्या मिलेगा? विशेष्य मिलेगा। इसी कर्मधारय समास में आपको फिर संबंध मिलेगा किसका? उपमेय और उपमान का। किसका संबंध मिलेगा मेरे दोस्त? उपमेय और उपमान का। कह सकते हैं कि एक पद यदि उपमेय होगा तो दूसरा पद क्या होगा? उपमान होगा। क्या होगा मेरे दोस्त? उपमान होगा। अब देखिए, ये जो विशेषण और विशेष्य है, तो हम बता रहे हैं कि और इसमें क्या मिलेगा। तो देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, वहां पर
कर्मधारय समास होता है। एक परिभाषा हमने आपके समक्ष रखा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है वहां पर कर्मधारय समास होता है। एक परिभाषा यह बन गई, एक परिभाषा मैं इससे बना रहा हूं, एक परिभाषा इससे बना रहा हूं। देखिएगा इसकी कई परिभाषा बन सकती है, तो लिखिएगा कि जिस समास में, लिखिएगा आपको लिखना है भाई साहब कि जिस समास में, जिस समास में विशेषण, जिस समास में विशेषण और विशेष्य, जिस समास में विशेषण और विशेष्य, विशेष्य सॉरी विशेषण और विशेष्य, जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहां पर, विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहां पर, वहां पर कर्मधारय समास की पुष्टि होती है, वहां पर कर्मधारय समास, वहां पर कर्मधारय समास की पुष्टि होती है, कर्मधारय समास की पुष्टि होती है। देखिए मेरे दोस्त, हमने कहा था कि मैं इससे परिभाषा बना देता हूं विशेषण और विशेष्य से, तो मैंने आपके सामने विशेषण और विशेष्य की परिभाषा रख दिया। देख लीजिए हमने रख दिया क्या कि इसमें मेरे दोस्तों पाया जाता है संबंध, इसमें क्या पाया जाता है दोस्त, संबंध पाया जाता है किसका, विशेषण का और विशेष्य का। तो जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है या संबंध होता है वहां पर क्या होता है, तो वहां पर कर्मधारय समास की पुष्टि होती है। हमने परिभाषा नंबर एक दिया आपके समक्ष मेरे दोस्त, परिभाषा नंबर यह क्या है, तो यह परिभाषा नंबर दो है। अब मैं आपके समक्ष परिभाषा नंबर तीन लिखने जा रहा हूं, इसी कर्मधारय समास की तीसरी परिभाषा लिखने का काम करिएगा। तीसरी परिभाषा क्या बन जाएगी मेरे दोस्त, तीसरी परिभाषा आपके समक्ष बनेगी कि जिस समास में, जिस लिखिएगा, जिस समास में, जिस समास में, जिस समास में उपमेय, जिस समास में उपमेय और उपमान, जिस समास में उपमेय और उपमेय और उपमान, जिस समास में उपमेय और उपमान का संबंध, उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है, जिस समास में उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है वहां पर, वहां पर उपमेय और उपमान का संबंध पाया जाता है वहां पर कर्मधारय, वहां पर कर्मधारय समास होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है, चलिए भाई साहब, या जो भी आप देख रहे हैं पुलिंग है अथवा स्त्रीलिंग, अगर पुलिंग है तो, अगर समकक्ष है तो भाई साहब, अगर बड़े हैं तो भैया लोग समझिए, अगर स्त्रीलिंग है तो एक शब्द में सबको संबोधित करता हूं। आइए सभी लोग और आप लोग, हम लोग मिलकर कर्मधारय समास को देखते हैं। ठीक है, आइए मेरे दोस्त देखने का काम करते हैं। हमने आपके सामने एक सुंदर सा टॉपिक कर्मधारय समास लेकर आया। जब मैं इसको लेकर आया था तो कुछ नहीं आपको जानकारी थी, न मुझे जानकारी थी, मैं इसके बारे में सीख रहा हूं और आपको भी सिखा रहा हूं। तो यह आपका एक प्रोसेस है, सीखने का प्रोसेस। ठीक है, तो अधिगम कहलाता है यह, जब सीटेट और टेट की कक्षाएं चलती हैं तो उसमें अधिगम और शिक्षण, अधिगम तथा शिक्षण, अनुदेशन, संप्रेषण,
आकलन, मूल्यांकन, इन सब प्रक्रिया चलती है। तो ये सी टेट का टॉपिक है और टेट का उसको छोड़ दीजिए मेरे दोस्त। हमने हिंदी व्याकरण में आपको क्या बताना शुरू किया था, तो समास, समास के बारे में बहुत अच्छी प्रकार से हमने चर्चा किया और आज कर्मधारय समास की चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो कर्मधारय समास में क्या मिलेगा, तो कर्मधारय समास में आपको हमने पहली परिभाषा बताया क्या कि जिस समास का उत्तर पद यानी द्वितीय पद क्या होता है, प्रधान होता है, वहां पर मेरे दोस्त कर्मधारय समास होता है। परिभाषा नंबर एक की हम बता रहे हैं, पद नंबर एक और पद नंबर दो। अब जो ये पद नंबर एक है और ये जो पद नंबर दो है, तो पद नंबर दो इसमें मालिक होगा, इसमें क्या होगा, मुखिया होगा, इसका मालिक होगा। ठीक है मेरे दोस्त, पद नंबर दो क्या होगा, मालिक होगा या मुखिया होगा। ये दोनों मिलकर एक तिसरका पद का निर्माण करेंगे जिसको कहते हैं सामासिक पद। क्या कहते हैं, सामासिक पद। अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस यहाँ पर समझा रहा हूं। एक पद होता है, दूसरा पद होता है, तीसरा पद होता है सामासिक पद। ठीक है दोस्त, इन दोनों के संयोग से तीसरा पद बनता है, लेकिन इन तीनों पद में मुखिया कौन होगा, तो दूसरा पद मुखिया होगा। इसका मतलब समझिए, मैं अब आगे चलता हूं। अब समझने के लिए आपके क्या है कि अब मैं बताता हूं विशेषण और विशेष्य के बारे में। मैं बता चुका हूं विशेषण और विशेष्य के बारे में। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त, विशेषण और विशेष्य के बारे में हम आपको पीछे कक्षा पढ़ा भी चुके हैं। तो विशेषण और क्या होता है, विशेष्य, विशेषण और विशेष्य के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, एक होता है विशेषण, एक होता है विशेष्य, एक होता है मेरे दोस्त प्रविशेषण। तो प्रविशेषण के बारे में भी मैंने आपको बहुत अच्छी प्रकार से पीछे बता दिया है। और एक होता है आपका क्रिया विशेषण, एक क्या होता है दोस्त, क्रिया विशेषण होता है। क्या होता है दोस्त, क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की यहाँ पर बात नहीं करेंगे, इसको हटा देते हैं, क्रिया विशेषण की बात नहीं करेंगे, कहे से कि क्रिया विशेषण से कुछ लेना देना नहीं है। चलिए अब मैं बताता हूं विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है और प्रविशेषण क्या होता है। ठीक है, इतना आपको जानना है तो बहुत अच्छी प्रकार से सीखिएगा। सीखने का मतलब यह है कि विशेषण कहते किसे हैं, तो लिखिएगा चाहे सुनिएगा कि जिसके द्वारा, क्या लिखना है या सुनना है कि जिसके द्वारा, जिसके 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 द्वारा, जिसके द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है, जिसके द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिसके द्वारा किसी की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेषण। लेकिन जिस शब्द के द्वारा बताई जाती है वह विशेषण, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है, यहां पर आपको लिखना होगा क्या कि जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, आपसे पूछेगा यहां पर जिसके द्वारा बताई जाती है, यहां पर जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेषण की, विशेष्य, विशेष्य जिसके द्वारा बताई जाती है विशेषण। इसका मतलब कि पहला पद ऐसा होगा जो दूसरे की बड़ाई करेगा। भोजपुरी भाषा में कहें तो पद नंबर दो का पद नंबर एक, पद नंबर दो का पद नंबर एक क्या बतियाएगा, बड़ाई बतियाएगा, उसकी अच्छी बातों को बताएगा। तो समझिए कैसे करना है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे हमने आपको जब पढ़ा रहा था विशेषण और विशेष्य, तब हमने आपको बताया था क्या, क्या बताया था मेरे दोस्त, हमने बताया था लाल टमाटर। क्या बताया था, लाल टमाटर, लाल टमाटर। और हमने और बताया था, लिखा था हरी धनिया। यह मेरे दोस्त मैंने आपको बताया था। अब बताइए धनिया कैसी है, उत्तर आएगा हरी है। उत्तर कैसी, उत्तर क्या आएगा, हरी है।
टमाटर कैसा है? लाल है। टमाटर कैसा है दोस्त? लाल है। इसका मतलब कि अगर टमाटर की विशेषता बताना है तो लाल शब्द, और धनिया की विशेषता बताना है तो हरी या हरा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। अतः धनिया शब्द की विशेषता बताने के कारण हरी, और लाल शब्द टमाटर की विशेषता बताने के कारण ये दोनों शब्द मेरे साहब, दोस्त, भाई, बहन क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा। और ये जो दोनों हो जाएंगे यह क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे मेरे दोस्त? विशेष्य कहलाएंगे। अतः हमको यह पता चला कि इस कर्मधारय समास में पहला पद क्या रहेगा? विशेषण। पहला पद क्या रहेगा? विशेषण रहेगा। जबकि दूसरा पद क्या रहेगा? तो दूसरा पद विशेष्य रहेगा। अतः कह सकते हैं कि पहला पद विशेषण और दूसरा पद संज्ञा हो सकता है। संज्ञा होगा कि नहीं? तो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला शब्द मेरे दोस्तों क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। टमाटर, धनिया, हाथी, घोड़ा, ये सब क्या कहलाएंगे? तो ये सभी आपके संज्ञा है। ठीक है, तो चलिए, अभी आपने विशेषण और विशेष्य को समझा, अब हम लोग समझते हैं उपमेय तथा उपमान। किसको समझेंगे? उपमेय तथा उपमान को समझेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या उपमेय और उपमान। तो एक शब्द आप लोग बहुत सुने होंगे, चंद्रमुख। चंद्रमुख, ठीक है, चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख ना, चंद्रमा के समान मुख। ध्यान से सुनिए, जब मैं अलंकार पढ़ा रहा था तब मैंने इसको बताया था, इसका क्या होगा? चंद्रमा के समान मुख होगा। इसका क्या होगा मेरे दोस्त? इसका होगा चंद्रमा के समान मुख। मुख की विशेषता बतलाई जा रही है, तो जिसकी विशेषता बतलाई जाती है, जिसकी क्या होगा? विशेषता बतलाई जाती है, वह होता है उपमान। और जिसके द्वारा बतलाई जाती है वह क्या होता है? उपमेय होता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, तो इतना समझ में आया, तो अब मैं चलता हूं किधर, तो हम आपको एक बार परिभाषा से फिर से परिचित कराता हूं। देखिए, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, फिर वहां पर कर्मधारय समास, जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है वहां पर कर्मधारय समास, जिस समास में उपमेय और उपमान का संबंध होता है वहां पर भी कौन सा समास मेरे दोस्त? कर्मधारय समास। चलिए, अब हम लोग एक और बात जान लेते हैं। आप लोग कभी से अगर मन में बात आ रही है तो उसको दूर करिए, नोट नंबर लिखिएगा। क्या? नोट नंबर एक। नोट नंबर एक। नोट नंबर एक क्या हो जाएगा? तो मेरे दोस्त, नोट नंबर एक लिखने के लिए तैयार रहिए। नोट क्या बनेगा? तो नोट नंबर एक आप लोग क्या लिखेंगे कि विशेषण विशेष्य। नोट नंबर एक आप लोग लिखिएगा क्या कि विशेषण विशेष्य। नोट नंबर एक में आप लोग लिखेंगे कि विशेषण विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष्य विशेषण विशेष्य तथा विशेषण विशेष्य तथा उपमेय उपमान उपमेय और उपमान। विशेषण विशेष्य तथा उपमेय और उपमान कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं मेरे दोस्तों। समझने का प्रयास करिएगा, कहीं भी आ सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि यह फिक्स नहीं है कि आपने जो प्रथम पद लिखा और आपने जो द्वितीय पद लिखा, इन दोनों में से पहला पद विशेषण होगा। इन दोनों में से पहला पद क्या होगा? विशेषण होगा।
और दूसरा पद क्या होगा, विशेष्य होगा। ठीक है, और आपके मन में यह भी आ रहा होगा कि पहला पद क्या होगा, तो आपके मन में यह आ रहा होगा कि पहला पद उपमेय होगा। क्या होगा? उपमेय होगा। और दूसरा पद क्या होगा? उपमान होगा। तो यह भ्रम आप अपने मस्तिष्क से निकाल दीजिए। ऐसा नहीं है, कभी देखेंगे तो विशेषण आगे रहता है, कभी देखेंगे तो विशेषण पीछे आ जाता है, कभी विशेष्य आगे हो जाएगा, कभी विशेष्य आगे हो जाएगा, कभी विशेषण पीछे हो जाएगा, कभी विशेषण आगे हो जाएगा, कभी विशेष्य पीछे हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कभी उपमान आगे हो जाएगा, कभी उपमेय पीछे हो जाएगा। जब बदला जाता है तब भी दोनों के संबंध होने के कारण, तब भी इन दोनों के संबंध होने के कारण, विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान के संबंध होने के कारण कौन सी समास होती है? तो वहां पर कर्मधारय समास ही होता है। चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरे दोस्त। तो यह मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया मेरे बड़े भाई, जो भी देख रहे हैं दोस्त स्क्रीन शॉट बनाइए। पहला वाला क्या है? तो यह पूरा कर्मधारय समास की परिभाषा कहिए या नियम कहिए। कर्मधारय समास की हमने यहाँ पर विशेषता बतलाया, इसके पहले भी हमने विशेषता बतलाया, विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान का संबंध बताया। तो अब आज्ञा दीजिए तो आगे चलते हैं। स्क्रीन शॉट बना लीजिए, हट गया हूं, अब स्क्रीन शॉट हो गया है ना। चले चलते हैं मेरे दोस्त, अब इसके उदाहरण की ओर चलेंगे, और इससे उदाहरण के साथ साथ बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। बस साथ रहिएगा मेरे दोस्त, जाने का काम करेंगे तो बहुत दुख हो जाएगा, दुख आपको होगा, मुझे क्या दुख होगा, तो वो हाल होगा कि वो जाने वाले लौट के आजा, तेरा क्या ठिकाना, मुझे कहां जाना, फिर आजा ओ जाने जाना। तो आइए इधर चलते हैं, इसको नया पेज लेते हैं। चलिए नया पेज के साथ नई जंग की शुरुआत, नए पेज के साथ नई जंग की शुरुआत अपने इस कलम और किताब के साथ। नई जंग की शुरुआत करिए मेरे दोस्त, किसका? तो आइए चलते हैं अब जल्दी से। अब आप लोग दो कॉलम बनाइए, एक कॉलम में लिखिए सामासिक पद और एक कॉलम में लिखिए समास विग्रह। अब मैं सामासिक पद भी लिखूंगा और समास विग्रह भी लिखूंगा। ठीक है, तो सामासिक पद और समास विग्रह में आप लोग लिखने का काम करेंगे। ठीक है दोस्त, तो आइए शुरू करते हैं। सामासिक पद और समास विग्रह को लेकर पहला वाला लिखिएगा नील गाय। पहला वाला आप लोग क्या लिखेंगे दोस्त? पहला वाला आप लोग लिखिएगा नील गाय। यह सामासिक पद है, अब मैं इसका विग्रह करने जा रहा हूं। नील गाय, बताइए गाय कैसी है? पहली बात हमको ये बताइए, बहुत देरी से आप लोग छटपटा रहे हैं ना, तो गाय शब्द क्या है मेरे दोस्त, बताइए गाय शब्द क्या है? यहां पर जो गाय शब्द है ना, ये गाय शब्द आपका मेरे दोस्त, गाय शब्द जो है आपका यह संज्ञा है। अब इस संज्ञा की नीला शब्द विशेषता बदला रहा है, तो ये हो गया जो नीला है या नील है, यह क्या हो गया? विशेषण। और गाय शब्द क्या हो गया? विशेष्य। तो अब इसकी हम लोग जब विग्रह करेंगे इस शब्द का, बन जाएगा नीली है जो गाय। लिखिएगा इसका विग्रह आप लोग लिखिएगा कि नीली है जो गाय, इसका विग्रह हो जाएगा नीली है जो गाय। बहुत आसान शब्दों में लिखिएगा नीली है जो गाय। अगला वाला लिखिए नीली गाय या नील गाय हो गया, तो अगला वाला लिखिए पीतांबर। अगला वाला लिखिएगा मेरे दोस्तों पीतांबर। अगला वाला क्या हो जाएगा दोस्त? पीतांबर हो जाएगा। पीतांबर को समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अब इसके विग्रह पर डिपेंड करेगा, ठीक है, इसके विग्रह पर डिपेंड करेगा, यानी विग्रह कैसे कर रहे हैं उसके हिसाब से मैं समास बताऊंगा।
ये जो पीताम्बर शब्द है ना, इस पीताम्बर का विग्रह दो प्रकार से किया जाएगा। तो अगर पीला है जो अंबर, सुनिए इसका आपने यदि विग्रह किया, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, एक ऐसे विग्रह कर सकते हैं, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर यदि आपने विग्रह किया तब तो यहां पर कर्मधार हो गया, ठीक है। अब इसका विग्रह यदि आप ऐसे करते हैं कि पीला है, पीला है जिसका अंबर, पीला है जिसका अंबर, एक विग्रह ऐसे भी होगा। तो अब सुनिए, पीला है जो अंबर यदि ऐसे आपने विग्रह किया, ठीक है, पीला है जो अंबर, तो यहां पर तो आपको फिक्स है कि यहां पर कौन सा समास होगा, यहां पर कर्मधारय समास होगा, ठीक है, यहां पर मेरे दोस्त कर्मधारय होगा। लेकिन पीला है जिसका अंबर यदि आपने समास विग्रह किया है, तब यहां पर मेरे दोस्त आपके समक्ष बहुत बड़ी चिंता उभर कर आएगी, उस समास का नाम रखा जाएगा बहुव्रीही समास। अब पीला है जिसका अंबर, यानी इस शब्द ने किसी तीसरे व्यक्ति की ओर क्या कर दिया है इशारा, तो पीला है जिसका अंबर, अर्थात जिसका अंबर पीला है वह कौन है, श्री कृष्ण, वह कौन है, कृष्ण। यानी जब दोनों पद मिलकर, यानी जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अन्य पद की ओर इशारा करते हैं, तो वह क्या हो जाता है, वहां पर बहुव्रीही समास होता है। कौन समास होता है मेरे दोस्त, बहुव्रीही। अब देखिए, पीला है जो अंबर, एक शब्द है पीला, एक शब्द है अंबर, न पीला यहां पर मुख्य हुआ, न अंबर यहां पर मुख्य हुआ, यहां पर मुख्य कौन हो गया, श्री कृष्ण। अतः यहां पर कौन सा समास होगा, तो बहुव्रीही समास होगा। पीला है जिसका अंबर यदि किए हैं, श्री कृष्ण लगाइएगा, पीला है जो अंबर, वहां पर कर्मधारय लगाइएगा, जब श्री कृष्ण लगाएंगे तो बहुव्रीही समास हो जाएगा, जब श्री कृष्ण नहीं लगाएंगे तब आपका कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। फिर सुनिए, अगर सबसे अच्छी बात अब बता रहा हूं मेरे दोस्त कि यदि पीला है पीताम्बर शब्द देकर, पीताम्बर शब्द देकर यदि दोनों समास ऑप्शन में दे दिया है, कर्मधारय और बहुव्रीही दोनों दे दिया है, तब आप बहुव्रीही को प्रधानता देंगे। यदि कर्मधारय समास और कौन समास, बहुव्रीही समास दोनों दे दिया है, तो बहुव्रीही समास को आप प्रधानता देंगे, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त आगे चलते हैं और अगला उदाहरण लिखने का काम करते हैं। एक मिला नील गाय, दूसरा मिला पीताम्बर, अब तीसरा आपके समक्ष लिखने का काम कर रहा हूं। तीसरा मेरे दोस्तों लिखिएगा क्या, तो तीसरा आप लोग लिखेंगे, तीसरा वाला क्या हो जाएगा, तो तीसरा वाला आप लोग लिखेंगे क्या, चलिए तीसरा आप लोग लिखिएगा। हाँ, एक बना क्या, नील गाय पीताम्बर, फिर इसी से लगे हाथ लिख लीजिए नीलाम्बर, लगे हाथ आप लोग लिखने का काम करिए क्या, नीलाम्बर, ठीक है, नीलाम्बर, नीलाम्बर में भी दोनों समास यही है, नीलाम्बर में, तो इसका आप लोग जान लीजिए कि नीला है जो अंबर करेंगे, ठीक है। अब इधर देखिए, आप लोग यदि लिख रहे हैं कि नीला है जो अंबर, नीला है जो अंबर, तब यहां पर मेरे दोस्त कर्मधारय होगा, और नीला है जिसका अंबर जब करेंगे, इसका नीला है जिसका अंबर, तब बहुव्रीही होगा, और नीला है जिसका अंबर किसकी ओर संकेत करता है, बलदाऊ की ओर, ठीक है, या दाऊ भैया की ओर इशारा करता है। अगला वाला लिखिए नील गाय पीताम्बर नीलाम्बर, अगला वाला आप लोग लिखने का काम करिए क्या, महासागर, अगला वाला क्या हो जाएगा दोस्त, तो अगला वाला बनेगा सर महासागर, अगला वाला क्या बनेगा, महासागर, महासागर को जब तोड़ेंगे या इसकी व्याख्या करेंगे तो बनेगा महा का अर्थ होता है महान, तो हो जाएगा महान है, महान है जो सागर, महान है जो सागर, इसका
अगला विच्छेद, अरे इसका अगला विग्रह नहीं होगा, महान है जो सागर, ठीक है, महान है जो सागर, अगला वाला लिखिएगा, अगला वाला महावीर लिखिए, अगला वाला महावीर, महावीर लिखिए, फिर इसके बाद लिखिए परमात्मा, अगला वाला क्या बनेगा मेरे दोस्त, अगला वाला बनेगा परमात्मा, ठीक है। चलिए देखते हैं, महावीर और परमात्मा दोनों का विग्रह क्या होगा, महावीर का बन जाएगा महान है जो वीर, महावीर का अर्थ क्या होगा, महान है जो वीर, महान है जो वीर, और क्या है परमात्मा, परम है जो आत्मा, परम है जो आत्मा। चलिए मेरे दोस्त आपके समक्ष एक पेज मैंने यह उदाहरण दिया, और समझिए कि महावीर, महा का अर्थ होता है महान, इसका हमने महान लिख लिया, परम का भी अर्थ होता है महान, लेकिन हमने परम को परम ही लिखा, इसका कारण यह है कि जब किसी समास का विग्रह करते समय उसका मुख्य अर्थ, मुख्य शब्द अपना अर्थ दे रहा होता है तो उसके भाव वाले अर्थ को नहीं लिखा जाता है, जब नहीं देता है तब उसके अर्थ को लिखा जाता है। तो अगला वाला उदाहरण आपके समक्ष लिखने जा रहा हूं, एक काम करिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट इसका बनाइए, वहां पर मैं लिखूंगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट हो गया। चलिए अब मैं आगे चलता हूं, आप लोगों को आ जाओ नील गाय पीताम्बर, चल जाओ भैया, चलिए मिल गया दोस्त, तो आगे हम लोग चलते हैं। चलिए अगला वाला क्या हो जाएगा, तो अगला वाला लिखिएगा वीर बाला, अगला वाला उदाहरण लिखिए वीर बाला, वीर बाला, ठीक है, इसका आप लोग अपने से बनाइए, वीर बाला, वीर बाला लिख लीजिए, वीर बाला के बाद लिखिए लाल मणि, वीर बाला के बाद लिखिए लाल मणि, वीर बाला के बाद क्या लिखेंगे, लाल मणि लिखिए, दोनों का अपने से बनाइए, क्या होगा, वीर है जो बाला, लाल है जो मणि, ठीक है, लाल है जो मणि, वीर है जो बाला, ठीक है। परमेश्वर लिखिए, परमेश्वर, 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 परमेश्वर का अपने से बनाइए, परमेश्वर का क्या बनेगा, परम है जो ईश्वर, अगला वाला लिखिए परमेश्वर के पश्चात प्रिय सखा, परमेश्वर के पश्चात आप लोग लिखिए प्रिय सखा, अब प्रिय सखा का आप लोग विग्रह करिए, बनेगा क्या कि प्रिय है जो सखा, सभा हम लिख रहे हैं, प्रिय है जो सखा, प्रिय सखा का बनेगा मेरे दोस्त प्रिय है जो सखा, जल्दी से करिए, जल्दी करिए। फिर इसके पश्चात नील गगन भी लिख लीजिए, नील गगन मेरे दोस्त, नील गगन, नील गगन, नीलांबर हो गया है क्या, नीलांबर हो गया है, हाँ हो गया, नीलांबर, नील गगन, प्रिय सखा, वीर बाला, लाल मणि, परमेश्वर, नील गाय, पीताम्बर, नीलांबर, महासागर, महावीर, परमात्मा, परमेश्वर। इसके पश्चात आप लोग क्या लिखेंगे, तो अगला लिख लीजिए नीलांबर हो गया है, महादेव लिखिए, महादेव, इसके पश्चात आप लोग क्या लिखेंगे, महादेव लिख लीजिए। चलिए यहां से आप लोग देखे होंगे कि जितना विग्रह होगा बीच में क्या शब्द आया है जो, ठीक है, है जो, है जो, है जो, है जो, है जो, फिर वीर है जो बाला, लाल है जो मणि, परम है जो ईश्वर, प्रिय है जो सखा, नीला है जो गगन, महान है जो देव, या देवों में जो महान है, ऐसे भी हो सकता है, इसका दूठ हो जाएगा विग्रह, लेकिन समास कर्मधारय ही होगा, नीला है जो अंबर, नीला है जिसका अंबर, उसी प्रकार से इसका होगा, लेकिन वैसे नहीं होगा, उसमें बहुब्री ही होगा, इसमें बहुब्री ही नहीं होगा, महादेव में क्या बनेगा, महादेव में कि महान है जो देव, और बन जाएगा कि देव है जो महान, और दोनों स्थिति में अपना कर्मधारय समास ही बनेगा, दोनों स्थिति में मेरे दोस्तों कौन समास, तो दोनों स्थिति में मेरे दोस्त
कर्मधारय समास ही होगा दोनों स्थिति में। कौन समास? कर्मधारय समास ही होगा। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोग जल्दी करिए, फिर आगे हम लोग चलते हैं। स्क्रीनशॉट बना लिए हैं? चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट बना लिए हैं तो चलिए मेरे दोस्त, स्क्रीनशॉट हो गया। तो अब अभी तक आपने देखा क्या कि नीला है जो गगन, इसका मतलब है जो शब्द आ रहा था। अब तनी आपका दिमाग क्रैक हो जाएगा। अब मैं जो लिखूंगा वहां पर जिसका शब्द आएगा या जिसकी शब्द आएगा, लिखिए। अगला वाला जिसका या जिसकी शब्द वाला लिखिए कि दीर्घायु। अगला वाला उदाहरण आप लोग लिखिए दीर्घायु, लिखिए आप लोग भी दीर्घायु। ठीक है, एक शब्द मिला दीर्घायु, एक शब्द है आपके समक्ष वह है मंद बुद्धि। अगला क्या मिलेगा? तो अगला मिलेगा मेरे दोस्त, अगला मंद बुद्धि। कौन सी बुद्धि? मंद बुद्धि शब्द मिलेगा। ठीक है, मंद बुद्धि दीर्घायु। देखिए इन दोनों में आपको विग्रह करते समय जो या है जो नहीं मिलेगा, जिसका या जिसकी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। एक आपके समक्ष क्या मिला? तो एक मिला दीर्घायु मंद बुद्धि, एक होगा मृदु वाणी, एक होगा क्या? मृदु वाणी। ठीक है सर, एक होगा मृदु वाणी। चलिए अब देखिए मेरे दोस्त, हमको देखना क्या है इसमें? बहुत कुछ नहीं देखना है। अब देखिए मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक हमने आपको जो बताया उसमें है जो शब्द मिल रहा है जब उसका विग्रह कर रहे हैं तब। इसका विग्रह बहुत लोग करते हैं दीर्घ है जो बुद्धि। ठीक है, दीर्घ है जो बुद्धि नहीं, क्या बुद्धि बड़ी होती है? सबका कपार का साइज अलग अलग है, बुद्धि बड़ी नहीं होती है। किसी व्यक्ति की ना बुद्धि बड़ी होती है कि बुद्धि बड़ी होती है? नहीं, किसी व्यक्ति की बुद्धि बड़ी हो जाती है। तो इसका हम लोग करेंगे क्या? मंद बुद्धि, कम बुद्धि। तो आइए देखिए दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु, इसका विग्रह करेंगे तो बनेगा दीर्घ है जिसकी आयु, दीर्घ है जिसकी आयु। कभी कभी जो आपका बोर्ड होता है परीक्षा कराने वाला या जो परीक्षा कराने की जिम्मेदारी लेती हैं एजेंसियां, कभी कभी ऐसे प्रश्नों को भी डालती हैं और डालने के पश्चात पूछती हैं कि इसका विग्रह बताइए, और दोनों देंगे दीर्घ है जो बुद्धि या दीर्घ है जिसकी बुद्धि। ठीक है, तो दोनों देती हैं, उसमें आप फंसने का काम मत करिएगा। इसका विग्रह क्या हो जाएगा? तो इसका विग्रह होगा दीर्घ है जिसकी आयु। इसका विग्रह क्या होगा मेरे दोस्त? इसका विग्रह होगा दीर्घ है जिसकी आयु। ठीक है, क्या है? दीर्घ है जिसकी आयु। आइए मेरे दोस्त, यह बन गया। तो अब देखिए कभी कभी जब प्रश्न डालेगा ऐसा दीर्घायु, तो देता है कि दीर्घ है जो आयु या दीर्घ है जिसकी आयु। बहुत लोग गलती करके चले आते हैं, जो आयु पर मार देते हैं। अब कैसे? जो है जो है, है जो है जो, यह एकदम रटे रहते हैं। रटने का काम मत करिए, समझने का काम करिए। चलिए अब मंद बुद्धि, तो मंद है जो बुद्धि कि मंद है जिसकी बुद्धि? आपका उत्तर आएगा मंद है जिसकी बुद्धि। इसका उत्तर आपके जुबान पर आ गया, मंद है जिसकी बुद्धि। ठीक है दोस्त, तो आप समझने का प्रयास करिए, रटने का प्रयास नहीं करना है, रटेंगे तो गलत हो जाएगा। हाँ, तो रटने की बात आ गई तो बता देते हैं, कबीरदास ने लिखा था कि रटत रटत रसनाल की तृष्णा सुख के अंग। रट रहे थे, एक व्यक्ति था, और रटने का बात आ गई है तो फिर बताता हूं। और एक बंदा था, एक व्यक्ति था, वह अरब देश गया और अरब देश से सीख कर आया, अरबी वाणी सीख कर आया। तो अरबी भाषा में पानी को आब कहते हैं, पानी को क्या कहते हैं? आ और ब, पानी को आब कहते हैं, यह कहावत है। चलिए मैं बता रहा हूं इसी आब शब्द पर चर्चा होगी। किस पर? आब शब्द पर। और ये जो आब शब्द है इसी पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। तो रटत रटत ना, तो वह बीमार पड़ गया, अब उठ बैठ नहीं पा रहा था। तो उसकी पत्नी बगल में बैठी थी, तो वह पानी मांग रहा था, लेकिन आब आब कहकर मांग रहा था। तो उस पर लोगों ने कहावत बना दिया कि बेटवा गई न अरब देश, सीख के आई न अरबी बानी,
आब रटत मर गई न रखल रह बगल में पानी। तो भैया एकदम रटा वाला काम मत करा, आगिला भारत में अपने देश तो पानी का पानी दे रे, पानी दे। अरे आब आब कहला मर गईला तो वही पे बना देना लोगन, बेटवा गई न अरब देश सीख के आई न अरबी बानी, आब आब रटत मर गई न रखल रह बगल में पानी। चलिए मेरे दोस्त मृदु वाणी को देखते हैं, मृदु है जो वाणी की मृदु है जिसकी वाणी, तो आपका उत्तर आएगा कि मृदु, अरे मृदु होगा मृदी लिख रहे हैं क्या, आपका उत्तर आएगा मृदु है जिसकी, मृदु है जिसकी वाणी, मृदु है जिसकी वाणी। ठीक है, यह मेरे दोस्त आपके समक्ष यह अपवाद स्वरूप मैंने उदाहरण रखा, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए। अब ऐसा प्रश्न बहुत मिलता है, अभी तक हमने आपको पूरा विशेषण और विशेष्य का संबंध बताया, अब मैं उपमेय और उपमान का संबंध बताने जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट बनाइए, आगे चलते हैं। अब इसको छोटाऊ बड़ाऊ कर लेते हैं, इसको आजा भैया छोटाऊ बड़ाऊ का चिच्चा, छोटाऊ बड़ाऊ को ठेल दीजिए इधर, इधर कोना में कहीं नहीं, इधर सटा लीजिए छोटाऊ बड़ाऊ को, अपना देखते रहिएगा। अब यहां से मैं लिख भी सकता हूं। चलिए अब हम लोग देखेंगे पूरा, अभी तक हमने जो देखा किसका संबंध देखा है, विशेषण विशेष्य का, अब हम लोग संबंध देखेंगे उपमेय और उपमान का संबंध। तो अब आप लोग लिखिए क्या, तो आप लोग लिखेंगे क्या मेरे दोस्तों, अब आप लोग लिखेंगे बहुत अच्छी प्रकार से अजलला। चलिए अगला वाला, अब आप लोग लिखेंगे क्या कि उपमेय और उपमान का संबंध रहेगा, अब उसमें हम लोग विग्रह करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। तो एक समान लिखिए, पहला उदाहरण, पहला मिलेगा घन श्याम, पहला उदाहरण क्या मिलेगा घन श्याम, दूसरा वाला मिलेगा चंद्रमुख, घन श्याम के बाद अगला उदाहरण आपके समक्ष मिला चंद्रमुख। ठीक है, मिला घन श्याम, चंद्रमुख, चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल, घन श्याम, चंद्रमुख, चरण कमल। ठीक है, अगला वाला लगे हाथ, अगला उदाहरण लिखिए क्रोधाग्नि, अगला उदाहरण इसीलिए क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि। ठीक है सर, अगला वाला लिखिए मेरे दोस्त क्रोधाग्नि के पश्चात अगला उदाहरण आपको मिलेगा क्या, क्रोधाग्नि के पश्चात अगला उदाहरण लिखिए कमल नयन, अगला उदाहरण कमल नयन, अगला उदाहरण क्या मिलेगा दोस्त कमल नयन, फिर इसके पश्चात मृग नयन, कमल नयन के पश्चात मृग नयन, मृग नयन, कमल नयन, मृग नयन। अब एक काम करते हैं कि इसका हम लोग विग्रह कर लेते हैं, फिर इसके पश्चात आगे बढ़ने का काम करते हैं। ठीक है, विग्रह कर लेते हैं, आगे चलेंगे फिर बाद में। चलिए लिखिएगा इसका विग्रह क्या हो जाएगा, तो लिखिएगा घन श्याम, घन माने बादल, श्याम माने काला। ठीक है, घन श्याम, घन के समान श्याम। ठीक है, अब इसका हो जाएगा क्या, इसका होगा घन के समान, घन के समान श्याम, किसके समान, घन माने बादल के समान, घन माने बादल, बादल के समान, श्याम माने काला, तो बादल के समान काला। अब कहिए कि काला हम क्यों नहीं लिखे, कहें कि यदि अर्थ जो शब्द है यदि वह शब्द अपना अर्थ दे रहा है तो दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं तो घन के समान काला हम लिखते, लेकिन श्याम शब्द अपना अर्थ दे रहा है, चंद्रमुख, चंद्रमुख का अर्थ जाएगा चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमुख का अर्थ लिख लीजिए हो जाएगा चंद्रमा के समान, किसके समान, चंद्रमा के समान, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान क्या, मुख। चलिए आगे देखिए, चंद्रमा के समान मुख, चरण कमल। अब देखिए भैया, देखिए इधर जिससे तुलना करना था, जिससे तुलना करता था, करना था वह क्या है, देखिए आगे है
बादल भी आगे है, चंद्रमा भी आगे है, क्रोध रूपी अग्नि, ठीक है, क्रोध रूपी अग्नि अब मिटेगा नहीं। चलिए देखिए, ये क्रोध भी क्या है, आगे है, कमल भी क्या है, आगे है, मृग भी क्या है, आगे है, लेकिन चरण आगे रहना चाहिए, कमल से न तुलना करनी है, कमल रूपी चरण ऐसे लिखना है या कमल के समान चरण, लेकिन कमल शब्द को आगे रहना चाहिए, आगे है नहीं, तो इसलिए मैं कहा हूं कि कभी उपमेय आगे हो जाएगा और कभी उपमान आगे हो जाएगा, तो चिंता मत करिएगा, ऐसा उदाहरण और ऐसा ये बात भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, चरण कमल का क्या हो जाएगा कि कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, कमल के समान चरण, अरे कमल के समान चरण, कमल के समान क्या हो जाएगा, चरण, ये मुख है ये चरण। चलिए, क्रोधाग्नि, इसका हो जाएगा क्रोध के समान अग्नि, या इसका हो जाएगा क्रोध रूपी अग्नि, क्रोध रूपी क्या हो जाएगा, अग्नि, आप क्या है, कमल नयन, कमल के समान नयन, इसका हो जाएगा कमल, कमल ये ल है, कमल के समान नयन, कमल के समान क्या है मेरे दोस्त, नयन है, या तो इसका और हो जाएगा कमल रूपी नयन, कमल रूपी नयन, दोनों में कमल रूपी नयन, सब में, जो उपमेय उपमान का उदाहरण है, सब में आप देखेंगे ऐसा बन सकता है। चलिए आगे देखिए, अब क्या है अगला वाला मृग नयन, मृग माने हिरण, हिरण मृग के समान नयन, लिख लीजिए मृग के समान नयन, मृग के समान क्या मेरे दोस्तों, नयन, ठीक है, मृग के समान नयन। यह जितना उदाहरण मैंने आपके सामने बताया, यह सभी उदाहरण किसका है, उपमेय और उपमान का है, ठीक है, किसका है, उपमेय और उपमान का है। अभी बन सकता है और उदाहरण दे सकता हूं आपको, थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, नहीं नहीं चलिए अब आप इसका व्याख्या करेंगे, अब वहीं पर इसको रहने दीजिए, इसकी व्याख्या क्या करेंगे आप करेंगे। चलिए देखते हैं क्या अगला वाला क्या मिल सकता है, वचनामृत और नरसिंह, भैया काम कर दे, हाँ काम कैलस, वचनामृत इसका आप लोग व्याख्या करेंगे, वचनामृत और नरसिंह, नरसिंह हो गया, ये आपका पूरा कर्मधारय समास हुआ समाप्त, लेकिन कर्मधारय समास से संबंधित कुछ अपवाद नियम है, अब उसको कैसे देखा जाएगा, तो अब इसको स्क्रीनशॉट बनाइए, जल्दी से स्क्रीनशॉट बनाइए, फिर इसके बाद आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट हो गया ना भाई साहब, चलिए आगे चलते हैं, क्या आगे हम लोग क्या चलते हैं और नियम लिखने का काम करते हैं, तो नियम आप लोग लिखिएगा या नोट पॉइंट करके भी लिख सकते हैं, बहुत अच्छा मिल जाएगा आपको, नोट या नियम कर लीजिए, नोट कर लीजिए या विशेष नियम कर लीजिए, जो भी करना हो कर लीजिए, मैं नोट ही करके लिख देता हूं, आपकी जो इच्छा हो लिख लीजिए, नोट करके या नियम करके या विशेष नियम करके लिखिए, लिखिए आप लोग क्या आप लोगों को लिखना है, चलिए देखिए लिखना क्या है कि जब किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है, यदि किसी उपसर्ग को या जब किसी उपसर्ग को लिखिए जब किसी उपसर्ग को विशेषण की भांति प्रयोग किया
भैया का होगा ले 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 यारियां चला लिखा हो। प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कर्मधारय, वहां पर कर्म धारय समास होता है, कर्मधारय समास होता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। ठीक है दोस्त, देखिए हमने बताया था कि जब किसी उपसर्ग को विशेषण की भांति या विशेषण की तरह प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कौन सा समास, कौन सा कर्मधारय समास होता है। कहेंगे कि सर जी अभी पहलवा एक दिन दो दिन पढ़ेला है कि उपसर्ग आई चाहे अव्यय आई तो अव्ययी भाव मरिया सोहन, तो ओहू में कुछ अपवाद भैया लिखैले रहनी, ओहू में अपवाद है। देखा जैसे लिखा लोगन, लिखा तुम्हारे लोगों के कितनी अपन खाए के हम समझाएं, लिखा। अब क्या हो जाएगा, जब किसी उपसर्ग को विशेषण की भांति प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कौन सा समास, तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। जैसे आप लोग लिख लीजिए क्या, सत परामर्श, अगला आप बनाइए सत परामर्श, सत परामर्श। अब मेरे दोस्तों सत क्या है तनी हमको बताइए, ये अगवा जो सत लगा है सत क्या है, उपसर्ग, लेकिन इस उपसर्ग को हमने विशेषण बना दिया। कैसे, सत माने सत, सत माने सत, सत, या सत माने अच्छा, सत माने सत या सत माने अच्छा है, अच्छा है जो परामर्श, अच्छा है या सत है जो क्या परामर्श। अगला वाला लिख लीजिए, सत परामर्श के बाद का पुरुष, अगला वाला क्या हो जाएगा, का पुरुष, का माने होता है कायर अथवा कुत्सित, का अर्थ होता है कायर या कुत्सित, कायर या कुत्सित पुरुष, कायर या कुत्सित पुरुष। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए दो ठो हो गया। अगला वाला लिखिए का पुरुष, कुपुत्र, सुपुत्र हो जाता है ना, कुपुत्र और ये सुपुत्र, लिखिए सुपुत्र। अगला वाला पहले अच्छा पुत्र के लिखला फिर तो बुरा के लिखा ही किया, सुपुत्र, सु माने होगा अच्छा, सु माने अच्छा, तो हो जाएगा अच्छा है जो पुत्र, अच्छा है जो पुत्र, अच्छा है जो पुत्र। ठीक है, अच्छा है जो पुत्र, तीन ठो हुआ, सत परामर्श, का पुरुष, सुपुत्र, एक ठो लिखला कुपुत्र। कु का अर्थ होता है बुरा, कु का अर्थ क्या होता है दोस्त, बुरा, कु का अर्थ हुआ बुरा, तो बुरा है जो पुत्र, बुरा है जो पुत्र, बुरा है जो पुत्र। ठीक है मेरे दोस्त, यह हमने नियम बताया कि जब किसी उपसर्ग को विशेषण की भांति प्रयोग किया जाता है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। चलिए इसका भी इसके साथ बनाइए, बस अंतिम नियम है मेरे दोस्त, और यह भी जान लीजिए, फिर मिलेंगे अगले दिन अगली कक्षा में, तो जल्दी से सॉरी आप लोग स्क्रीन शॉट बना लीजिए तब। ठीक है, हो गया, अब आगे चलते हैं, स्क्रीन शॉट हो गया तो आगे चलिए। अगला वाला नियम आपको क्या लिखना है, तो अगला वाला नियम बहुत ही धांसू नियम है, लिखिएगा अगला नियम क्या कि जब क्या लिखना है कि जब विशेषण पदों की आवृत्ति हो जाती है या विशेषण पदों की आवृत्ति की जाती है, नियम नंबर अगला आप लोग बहुत अच्छे से लिखिएगा मेरे दोस्तों, नियम नंबर या नोट नंबर या विशेष करके लिख लीजिए जो भी मन करे लिखिए, कि जब क्या लिखेंगे आप लोग, जब विशेषण पदों की आवृत्ति होती है, जब विशेषण
पदों की विशेषण पदों की आवृत्ति होती है। जब विशेषण पदों की आवृत्ति आवृत्ति होती है जब विशेषण पदों की आवृत्ति होती है तो वहां पर कर्मधारय समास होता है। तो वहां पर कौन समास होता है? तो वहां पर कर्मधारय समास, तो वहां पर कर्मधारय समास, वहां पर कर्मधारय समास, ठीक है, समास होता है। वहां पर कौन सा समास होता है मेरे दोस्त? कर्मधारय समास होता है। चलिए, जैसे अब उदाहरण में लिखेगा, जैसे बहुत आप लोग देखे होंगे, बहुत उदाहरण मिला होगा आप लोगों को, बहुत उदाहरण, ठीक है, लिखिएगा। जैसे आप लोग लिखते हैं एक बतिया दो बार ना, अरे गोल गोल वहां बहुत टमाटर वाला मरचा वाला भंटार वाला, ऐसे कहा जाला ना, गोल गोल। जैसे में लिखिए गोल गोल। अब बताइए हमको कि कैसे यहां पर समास हुआ, कैसे हो गया गोल गोल, कैसे हो गया गोल गोल। अब जेकर दिमाग काम करी कि आई योजक चिन्ह देख के द्वंद समास में लेके जाई, तो ओकर दिमाग ना दिमाग का दही। हम कहनी है कि जब विशेषण पदों की क्या होती है, आवृत्ति होती है, तो वहां पर कौन समास होता है? कर्मधारय। आज जब विशेषण पद को दोहराया जाता है तब योजक चिन्ह भी लगाया जाता है, और कहीं कहीं पर आवश्यकता के अनुसार नहीं लगाया जाता है। दोनों बात याद रखिए। चलिए, जैसे गोल गोल, फिर होता है एक ठो गोल मटोल, गोल गोल, फिर इसके बाद होता है गोल मटोल। लड़कियां या महिलाएं जो छोटा बालक होता है ना, उसको कहती है सब बहुत गोल मटोल। अरे मोर लल्ला रे सोना रे गोल मटोल, अरे तो आज सोना चानी लल्ला या सोना गोल मटोल होगा, लाल 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 लाल, ठीक है। अगला वाला आ लाल लाल हो गया। अब देखिए, गांव में महिलाएं बहुत बोलती हैं, एकदम भैया होकर दानवा पकी गल हरियर कचनार बल, हरियर कचनार बल है ना, तो उसको लिखते हैं हरा कच्च, उसको क्या लिखते हैं? हरा कच्च, हरा कच्च, ठीक है। अरे ये कदम पियर जर्दा मती ने बलवा हो, तो हो जाए पीला जर्द, पीला जर्द। अब यह आपका पूरा हमने अव्ययी भाव समास क्या कर दिया। ऐसे होता है हरा कच्च, पीला जर्द, एक होता है सफेद झक, सफेद झक, सफेद झक, सफेद झक। आज मेरे दोस्त आपने जो हमें समय दिया वह आपका कीमती समय था, लेकिन मैंने भी जो आपको दिया यह भी बहुत कीमती वस्तु दिया। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और एक हाथ से ताली नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो एक काम करिए आप लोग, एक काम करिए कि मैं आपको लेकर चलता हूं पहले पेज पर, जो भाई साहब या जो भी बहन पीछे आई है वह पेज नंबर एक से क्या करें, स्क्रीन शॉट बना लें। पेज नंबर एक, पेज नंबर दो, पेज नंबर तीन, पेज नंबर चार, पेज नंबर पांच, पेज नंबर छह, ठीक है। तो चलिए मेरे दोस्त, हमने आप लोगों को कर्मधारय समास पूरा पढ़ा दिया, और अपनी जिम्मेदारी मैंने पूरे सच्चाई और पूरे दिल के साथ अदा किया है। आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है आप लोग भी मेरे और इस पढ़ाए गए बताए गए ज्ञान को सीखिए। बहुत जिंदगी बची है मेरे दोस्त, अभी बहुत सीखना है, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक सीखेंगे, इससे अच्छा है कि सीखते चलिए, जो भी मिल रहा है बटोरते चलिए। और हमने जितनी अच्छे से आपको बताया
और बताने का प्रयास किया, अगर उतने ही ईमानदारी के साथ आप भी करेंगे तो निश्चित है कि सफलता आपको मिलनी तय है। तो आज के लिए बस इतना ही, जाने की आज्ञा दीजिए और मिलते हैं अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।